लखनऊ में सीएम योगी ने किया भूजल सप्ताह समारोह का समापन। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह रहे मौजूद। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, नमामि गंगे अभियान के सार्थक परिणाम आए सामने, प्रदेश में भूजल को लेकर बहुत प्रयास हुआ। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, पिछले 20 सालों में जल स्तर सुधार की अनदेखी की गई, बोले 4-5 सालों में हमने जल स्तर सुधारने की कोशिश की। दिल्ली में चला योगी सरकार का बुलडोजर, रोहिंग्या कैंप तोड़कर खाली कराई 150 करोड़ की जमीन, यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध रूप से लगाए गए थे रोहिंग्या कैंप। दिल्ली में कार्रवाई पर जल शक्ति मंत्री का बयान, महेंद्र सिंह ने कहा केजरीवाल सरकार का इन रोहिंग्याओं को संरक्षण प्राप्त था। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अगले महीने से ऑनलाइन होंगी सभी सेवाएं, मीटर बदलने बिल सही करने के लिए नहीं करनी पड़ी दौड़भाग, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस की कमान गणेश गोदियाल को सौंपी जा सकती है, प्रीतम सिंह बनाए जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने की चर्चा। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, कैदी की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपे, एसएसपी तत्कालीन सीओ और बंदी रक्षकों को हटाने का भी आदेश। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्ट घोटाले में पहली गिरफ्तारी, एसआईटी ने हरियाणा के एक शख्स को किया अरेस्ट, जल्द ही कुछ और आरोपियों पर हो सकती है कार्रवाई। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से टेम्पो पलटा, बाद में डिवाइडर से टकराई कार, कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। पहाड़ों पर भारी बारिश ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई मुसीबत, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे भक्तों ने भागकर बचाई जान, पहाड़ से अचानक आया जल सैलाब। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन, मानसून सत्र खत्म होने तक देंगे धरना, बोले किसान नेता बलवंत राजेवाल, राजहट छोड़े सरकार, हम भी हैं बातचीत को तैयार। किसानों से जी मीडिया के जरिए कृषि मंत्री की अपील, कहा बातचीत के लिए आगे आएं, बताएं कि क्या रास्ता निकाला जाए। भारतीय किसान यूनियन के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बोले बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, कहा भारतीय किसान यूनियन कोई चुनाव नहीं लड़ रही और ना ही टिकैत परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। एक अगस्त से गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं यूपी दौरे का आगाज, विंध्याचल कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास, करीब 320 करोड़ की लागत से बनने वाला है विंध्याचल कॉरिडोर। नहीं थम रही है ऑक्सीजन कमी पर सरकार के बयान पर सियासत, राहुल गांधी का ट्वीट सब याद रखा जाएगा, कल कहा था सरकार की गलत नीतियों से हुई 50 लाख लोगों की मौत।